अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे बच्चे बच्चियां, बहन भाई, बहुएं बेटियां, पोते पोतियां, सबको मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ साबुत मूंग। ये होते हैं मूंग साबुत, ये इस तरह से होते हैं। मैंने इसे 2 घंटे के आसपास हो गए थे, मेरे पास टाइम था तो मैंने पहले भिगा दिए थे इनको। अब मैं आपको इसका खिलाना सिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, बच्चियाँ पूछती हैं कि आप दाल को कैसे खिलाती हो, क्योंकि मैं चुनती नहीं हूँ। मुझे शुरू से जवानी से यही आदत है कि मैं दाल को खिलार लेती हूँ। अब देखते जाएं कि मैं कैसे खिला लूँगी। कंकर नीचे बैठ जाते हैं और झटपट से 2 मिनट नहीं लगते दाल खिलारी जाती है। ये देखें, धीरे 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 पानी को इधर से उधर करते हुए, ये इस तरह से, ये देखें, फिर वापस से हम इस पानी को इधर करेंगे और फिर इस तरह से, ये देखें, इस तरह से जो एंड की होती है, फिर मैं उसे चुन लेती हूँ, वो इतनी फिर मसला नहीं बनता। अब इसको भी इसमें डाल देते हैं। अब पिला झिझक आप इस दाल को पका सकते हो। चले मैं अब इसको पकाने का बनाती हूँ वीडियो। दाल का पानी हमने फेंक दिया और 1-2 दफ़ा खंगाल लिया इस दाल को। अब इस दाल को हम डालेंगे कुकर में। आप चाहे तो इसको पकने के लिए मिट्टी की हांडी या कोई भी चीज़ जिसमें आप पकाते हो उसमें पका लो। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे ये 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 3 गिलास, 1 गिलास ये दाल है और 3 गिलास मैंने पानी डाला है। और चूंकि भीगी हुई है तो इसके अंदर ज़्यादा हमें कुकर में टाइम नहीं लगेगा। अब 1 टीस्पून जितनी नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लेवल करके पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, ये भी डाल देंगे। अब ये लहसुन ख़त्म होने वाला है तो तकरीबन ये सारा मान के चले तो 1 टेबल स्पून। ये देखें, पानी डाल के हमने इसको ऐसे चला लिया अच्छे से। नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, बस 3 चीज़ें हमने डाली हैं मसालों में। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अब ये मैं लगाती हूँ लीड। अब इसका ये जो विसल या सीटी जो भी है, ये जब ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो जाएगी तो 10 मिनट दूँगी ताकि ये दाल अच्छे से गल जाए, घुल मिल जाए। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें दाल बिल्कुल गल गई है। अब नमक चखती हूँ। नमक कम था, नमक थोड़ा सा डालेंगे। बस 1 से 2 मिनट इसे चलाऊंगी ऐसे चमचे के साथ ताकि ये जो है ना मिक्स हो जाए, अच्छी सी स्मूथ सिल्की सी हो जाए आपस में। तो मैं ये कह रही थी कि गैस नहीं होती इस दाल के खाने से, और डॉक्टर भी इसको तजवीज़ करते हैं। पेट के जितने अमराज हैं उसके लिए डॉक्टर मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग, और जिन बच्चों को पेचिश या दस्त हो जिनको भी, तो उनके लिए भी डॉक्टर मूंग की दाल की खिचड़ी और इस तरह की चीज़ें कहते हैं खाने के लिए। तो ये बहुत हेल्दी एक डिश है। चलिए अब भगार लगाते हैं। अभी हमने 5 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं और 6 से 7 के लिए लहसुन की बारीक बारीक काट ली है, और हम इसे अच्छे से सुनहरा भी करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा, इसको भी भून लेंगे, सुनहरा करेंगे वही। अब ये सुनहरा होने लगा लहसुन तो ये 2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे, छींटे की आवाज़ आएगी। 12 पत्ते डाले हैं, कड़ी पत्ता जिसे हम कहते हैं। क्या खुशबू आना शुरू हो गई है माचा का। तो हम बघार लगा देंगे इसे, इसी फ्री पान से हमने ढक दिया ताकि इसकी जो खुशबू है इसमें अच्छे से बस जाए। और ये साबुत मूंग हमारे तैयार हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है किचन क्या पूरे घर में से। और हम इसे खाएंगे अचार के साथ, मूली के साथ और सलाद के साथ। इसी के साथ चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है। और
इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। और जाते जाते बेटा एक काम और कर लिया करें कि अपना जो अंगूठा है ना वो ज़रूर दबा दिया करें बस, लेकिन मोबाइल पे अपने हाथ कहीं ना दबा देना। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।